पाकिस्तान सुपर लीग 2023 का पहला क्वालिफायर मैच लाहौर और मुल्तान के बीच। पॉइंट्स टेबल पर पहली और दूसरी टीमें आमने सामने हैं। लाहौर ने 7 लीग मैच जीते हैं जबकि मुल्तान ने 6 मैच जीते हैं। दोनों टीमें पीएसएल 2023 संस्करण में 2 बार एक दूसरे का सामना कर चुकी हैं। ये दोनों लीग मैच लाहौर ने आसानी से जीत लिए थे। लीग मैचों के प्रदर्शन पर नज़र डालें तो इस मैच में भी लाहौर की टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है। यह मैच एक तरफा मैच हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, CBTF अर्नव YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पाकिस्तान सुपर लीग का क्वालिफाइड T20 मैच लाहौर कलांदाज और मुल्तान सल्टन्स के बीच दिनांक 15 मार्च 2023 at 7:30 PM को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पर खेला जाने वाला है। पहली पारी में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 6 ओवर के पावरप्ले में मैदान की पिच और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर 40-49 के बीच स्कोर कर सकती है। दूसरी ओर 20 ओवर की पहली पारी में लंबी पारी में स्कोर 140-176 के बीच हो सकता है। हमारी 100% मैच भविष्यवाणी के अनुसार इस मैच में टॉस प्रेडिक्शन टॉस लाहौर कलांदाज टॉस जीतेगी। इस मैच में टॉस लाहौर कलांदाज जीतेगी। टुडे मैच टॉस प्रेडिक्शन इज लाहौर कलांदाज। अब हम भारत के नंबर 1 मैच टिप्पर द्वारा बताए गए आज के क्रिकेट मैच की भविष्यवाणी पर आते हैं कि आज का मैच कौन जीतेगा। पेशावर के खिलाफ खेले मैच में लाहौर की टीम ने अपना 8 मैच 35 रन से हार गई थी। इस मैच में हुसैन तलत के 63 रन और शाहीन अफरीदी द्वारा 52 रन बनाकर संघर्ष किया था। इस मैच में लाहौर टीम के लिए वहाब रियाज ने 3 और अरशद इकबाल ने 3 विकेट लिए थे। इस्लामाबाद के खिलाफ खेले मैच में लाहौर की टीम ने अपना 9 मैच फखार जेमन के 115 रन और कैमरन गुलाम द्वारा 41 रन की मदद से 119 रन से जीत लिया था। इस मैच में लाहौर टीम के लिए रशीद खान ने 4 विकेट और जेमन खान ने 2 विकेट लिए थे। कराची के खिलाफ खेले मैच में लाहौर की टीम ने अपना 10th मैच 86 रन से हार गई थी। इस मैच में हुसैन तलत के 25 रन और हरस रऊफ द्वारा 18 रन बनाकर संघर्ष किया था। इस मैच में लाहौर टीम के लिए जेमन खान ने 2 और तलत ने 2 विकेट लिए थे। लाहौर कलांदाज की ओर से खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची इस प्रकार हो सकती है: फखार जेमन, कैमरन गुलाम, अब्दुल्ला शफीक, सैम बिलिंग्स, वीक, हुसैन तलत, सिकंदर राजा, डेविड वीजा, रशीद खान, शाहीन अफरीदी, सी हैरिस रऊफ, जेमन खान। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के पिछले रिकॉर्ड और आज के फॉर्म के हिसाब से लाहौर कलांदाज के इस मैच को जीतने के 40% चांस हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की शंका है, कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको तुरंत जवाब देगी। इस्लामाबाद के खिलाफ खेले मैच में मुल्तान की टीम ने अपना 8 मैच 2 विकेट से हार गई थी। इस मैच में मसूद के 75 रन और टिम डेविड द्वारा 60 रन बनाकर संघर्ष किया था। इस मैच में मुल्तान टीम के लिए अनवर अली ने 3 और रसनुल्ला ने 2 विकेट लिए थे। पेशावर के खिलाफ खेले मैच में मुल्तान की टीम ने अपना 9th मैच रिली रॉसू के 121 रन और कायरन पॉलर्ड द्वारा 52 रन की मदद से 4 विकेट से जीत लिया था। इस मैच में मुल्तान टीम के लिए अब्बास अफरीदी ने 4 विकेट और अनवर अली ने 1 विकेट लिए थे। क्वेटा के खिलाफ खेले मैच में मुल्तान की टीम ने अपना 10th मैच उस्मान खान के 120 रन और रजवान द्वारा 55 रन की मदद से 9 रन से जीत लिया था। इस मैच में मुल्तान टीम के लिए अब्बास अफरीदी ने 5 विकेट और असनुल्ला ने 2 विकेट लिए थे। मुल्तान सल्टन्स की ओर से खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची इस प्रकार हो सकती है: उस्मान खान, मोहम्मद रजवान, सी और वीक, रिली रॉसू, कायरन पॉलर्ड, टिम डेविड, खुशदिल शाह, अनवर अली, उसामा मीर, अब्बास अफरीदी, इजहारुल हक नवीद, असनुल्ला। मुल्तान सल्टन्स द्वारा इस मैच में 60% जीतने की उम्मीद है। टुडे मैच प्रेडिक्शन रिपोर्ट्स इज लाहौर कलांदाज विन द मैच, लाहौर यह मैच जीतेगी। आप अधिक जानकारी के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ।